वंदे मातरम दोस्तों, मैं दीपक शर्मा, DAV कॉलेज देहरादून का छात्र, आप सभी के सन्मुख आज़ादी के 7 दशक के विषय में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। एक समय था जब भारत माता अंग्रेजी कुशासन की जंजीरों में बंधी हुई थी। बहुत से वीर वीरांगनाओं ने अपना सर्वोच्च बलिदान देकर आज़ादी का परचम लहराया था। आज भारत को आज़ाद हुए 7 दशक हो गए हैं, परंतु क्या हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो पाए हैं? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का जिक्र है। हम अक्सर ही इस पर विवाद करते रहते हैं, हक की लड़ाई के नाम पर अन्य प्रदर्शन करते रहते हैं, परंतु हम भूल जाते हैं कि हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों के बारे में भी लिखा गया है। आज मैं हमारे कुछ मौलिक कर्तव्यों को दोहराना चाहूँगा। पहला, संविधान का पालन करें और इसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान करें। राष्ट्र की सेवा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की रक्षा करें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। परंतु क्या हम अपने इन मौलिक कर्तव्यों का पालन करते हैं? लाल किले से राष्ट्रध्वज को हटाकर फेंक दिया जाता है और अभिव्यक्ति की आज़ादी और वाक स्वतंत्रता के नाम पर भारत तेरे टुकड़े होंगे और अफजल हम शर्मिंदा जैसे देशद्रोही नारे लगाए जाते हैं और समस्त मानव अधिकारों के ज्ञाता आकर इनका पक्ष लेकर खड़े हो जाते हैं। हम भारतीय हैं, राष्ट्रता और देशभक्ति हमारी रगों में दौड़नी चाहिए। हमें अपने राष्ट्र के लिए संपूर्ण योगदान देना चाहिए, ना कि सिर्फ मौन रहकर और अंधे होकर ऐसे देशद्रोहियों का साथ देना चाहिए। जब भी भारत का बेटा सरहद पर लड़ने को जाता है तो उस वीर सपूत के सम्मान में पर्वत तक शीश झुकाता है, परंतु जो लोग उन पर पत्थर बरसाते हैं और देशद्रोही नारे लगाते हैं, राष्ट्रवाद के ऐसे पापी गीदड़ कहलाते हैं। आज भी हमारे देश में कई नारी कमज़ोर बनकर जीती हैं। बेटियों को बेटों के बराबर नहीं समझा जाता, दहेज के कुचक्र में अन्य हिंसा होती है। आज भी सिर्फ गरीबों को झूठे वादे और अमीरों को सच्चा न्याय मिल जाता है, पैसों से हर गुनाह पर पर्दा डलता है। बाल मजदूरी और बच्चों के साथ हो रहे अन्याय पर कहाँ कोई बोलता है? सही तो कहा था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कि आज़ादी अभी अधूरी है, सपने सच होना बाकी हैं, राखी की शपथ ना पूरी है, आज़ादी अभी अधूरी है। बच्चा हो, युवा हो या कोई बुजुर्ग हो, हमें अपनी मातृभूमि पर, अपने देश पर गर्व होना चाहिए। हमारा कर्तव्य है कि भारत के नागरिक होने के नाते हम ना तो अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करें और ना ही किसी और को करने दें। शहीदों के बलिदान को ज़ाया ना जाने दें और अपने नेताओं का चुनाव सोच समझ कर करें और भारत एक दुर्गंध रहित और भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने में अपने स्तर पर सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।